इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सायहापुर से। यहां पर मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस के चालकों ने हंगामा किया है। बड़ी खबर सबसे पहले मिशन पर मेडिकल कॉलेज से आ रही है। यहां पर 102 और 108 एम्बुलेंस के चालकों ने मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर हंगामा कर दिया है। ड्राइवरों का आरोप है कि उनके साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बदसलूकी की है, अभद्रतापूर्ण व्यवहार चालकों के साथ किया है। साथ ही प्रिंसिपल ने सभी एम्बुलेंस को गेट के बाहर निकाल दिया है और कहा है कि कोई भी एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर नहीं जाएगी, जिसको लेकर गुस्साए एम्बुलेंस चालकों ने गेट के बाहर सभी एम्बुलेंसों को खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की मिशन पर सबसे पहले आ रही है। यहां पर एम्बुलेंस चालक गुस्साए हुए हैं। अब एक बड़ा सवाल कि मेडिकल कॉलेज परिसर में सरकारी एम्बुलेंस को बाहर निकाल दिया गया है और निजी वाहन मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय सिन्हा से जब पूरे मामले को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मिशन पर सबसे पहले, यहां मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस के चालकों ने हंगामा किया है। वहीं तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जब चालकों ने हंगामा किया तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय सिन्हा उनको समझाने की बजाय उनका वीडियो बनाने में मस्त हैं, और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो चुप्पी साधे रहे। बड़ी खबर इस वक्त की मिशन पर सबसे पहले आ रही है। यहां पर मेडिकल कॉलेज के अंदर एम्बुलेंस चालकों ने हंगामा किया है। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल अभय सिन्हा ने उनके साथ बदतमीजी की है, उनको एम्बुलेंस बाहर खड़ी करने के लिए कहा है। बड़ी खबर इस वक्त के मिशन पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है प्रिंसिपल के ऊपर और मेडिकल प्रशासन के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। निजी वाहन मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर खड़े हुए हैं, वहीं सरकारी एम्बुलेंस 102 108 को गेट के बाहर खड़ा करने का फरमान अभय सिन्हा ने जारी किया है, ऐसा एम्बुलेंस चालक कह रहे हैं। वहीं जब मीडिया ने एम्बुलेंस जब इस पूरे प्रकरण को लेकर मीडिया ने अभय सिन्हा से सवाल किया तो कुछ भी कहने से बचते साफ तौर पर नजर आए। बड़ा सवाल उनके इस व्यवहार पर जब मेडिकल कॉलेज में गेट के बाहर हंगामा कर रहे थे चालक तो बजाय उनको समझाने के अभय सिन्हा उनका वीडियो बना रहे थे। वहीं चालकों ने साफ तौर पर कहा है कि हमको धमकाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की सायहापुर से मिशन पर आ रही है। यहां पर एम्बुलेंस चालकों ने हंगामा किया है। आज के एक महीना पहले ये आए और मैं पीछे खड़ा था तो ये बोले कि ये किसकी गाड़ी है, तो मैंने कहा सर मेरी, तो बोले कि ये वाली गाड़ी हटाओ, वहां पे जो वो अरे जो रैन बसेरा बना है वहाँ पर एक भाई बैठे हैं, अभी अगर हमारे सामने आ जाए तो मैं उनको पहचान के बता सकता हूँ। उनसे बोले कि इनकी शीशे तोड़ दो, एलएस गाड़ी के डंडा लगवा रहे थे। फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाला, एलएस वाले को फ़ोन किया कि भैया गाड़ी हटा लो, प्रिंसिपल साहब तोड़वा रहे हैं शीशा। फिर हमने अपने उच्च अधिकारी को बताया, एमी और पीएम को बताया, एमी पीएम बोले कि हम बात कर लेंगे। फिर आज की बात है, मैं गाड़ी पर गाड़ी घुमा के लगा रहा था, पेशेंट मुझे ले जाना था, मैं जैसे पीछे जाने लगा इन्होंने गाड़ी के पीछे दौड़ के पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा सर पेशेंट है, बोले आप गाड़ी बाहर ले जाइए, आपकी गाड़ी पेशेंट बाहर आएगा और बाहर ही बैठेगा। मोहित कुमार शुक्ला, EMT पद पर कार्यरत हूँ यहाँ शाहजहाँपुर जनपद में। मेरी एम्बुलेंस को प्रिंसिपल साहब ने, मेरे साथ 8 एम्बुलेंस और थी, उन एम्बुलेंसों को दौड़ाया गया है, कहा कि बाहर लेके जाओ, अंदर हॉस्पिटल में गाड़ी खड़ी नहीं होगी। उसके बाद प्रिंसिपल साहब को जब पूछा गया तो प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों की वीडियो बनानी शुरू कर दी, हम प्राइवेट कर्मचारी हैं, हमें धमकाया जा रहा है। कौन सी एम्बुलेंस है? हमारी एम्बुलेंस का नंबर UP32EG08491002 की एम्बुलेंस है, 102। और जो एलएस एम्बुलेंस है 108, बात करने पे आप लोगों के सामने उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो भाग गए अंदर। वीडियो बना के चुपचाप चले, हम लोगों की वीडियो बनाई गई है जिससे हमारे उच्च अधिकारियों को भी हमारी वीडियो दिखाई जाए और हम लोगों को टर्मिनेट कराया जाए, हम लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं। क्या पूरी घटना हुई आपके साथ? सर अभी हम वापस आ रहे थे केस लेने के लिए, अंदर से एक पेशेंट ने कॉल की मेरे पास, तो उसने कहा मैम मेरा केस है घर जाना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा है, आप 102 पर कॉल करिए, पेशेंट बाहर लेकर आइए। तो मुझसे प्रिंसिपल बोले कि आप पेशेंट को बाहर बैठा लिए, अंदर नहीं लाना है, जैसे प्रकार लाना है वो बाहर बैठा लिए, पेशेंट अंदर नहीं बैठा सकते, और हमारी एम्बुलेंस को पीछे गेट के बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा पाल, EMT है 102 से।